हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है मंडे का। सावन चल रहे हैं तो आज सावन का है तीसरा सोमवार और मेरा फास्ट भी है। तो सुबह हस्बैंड के लिए लंच वगैरह बना दिया था, उसके बाद सारी किचन की सफाई करके और सारे घर की सफाई करके नहा धो के अब मैं आ गई हूँ किचन में अभी के लिए लंच बनाने के लिए। तो आज उसके लिए मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का चीला। सूजी और बेसन में नहाने से पहले ही गला के चली गई थी और एक तरफ चढ़ रहा था दूध, और दूध अभी पक गया है तो उसकी गैस मैंने बंद कर दी और यहाँ पर इसके लिए बन गया है चीला। तो मैंने एक बड़ा सा चीला बना लिया है और इस चीले को मैं दो हाफ में डिवाइड कर दूँगी। आधा पार्ट तो उसको स्कूल में लंच के लिए रख दूँगी और आधा पार्ट मैं उसे अभी खाने के लिए दे दूँगी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है वीडियो में कि मैं स्कूल जाने से पहले बच्चे को थोड़ा सा खिला के भेजती हूँ, और फिर सिर्फ 3 घंटे का स्कूल है, अभी वो प्री स्कूल में है तो थोड़ा ही वहाँ पर खाता है, और चाहे खाए या ना खाए अगर घर से खिला के भेज दिया तो एक तसल्ली रहती है कि बच्चे का खाली पेट नहीं है, उसने थोड़ा सा खाया हुआ है। तो बस मैंने आधा चीला ये बटर पेपर में रैप करके उसके लंच बॉक्स में लगा दिया और आधा मैं उसे यहाँ पर खाने के लिए दे दूँगी। और साथ में रख दी मैंने टमाटो केचप, क्योंकि वो टमाटो केचप से ही खाना पसंद करता है, और थोड़ी सी उसकी प्लेट में रख दी जो अभी खाने के लिए दूँगी। और इसके साथ मैं रख दे रही हूँ थोड़े से चौकोस, क्योंकि उसको चौकोस बहुत पसंद है, इनकेस अगर चीला खाने का मन नहीं हुआ तो वो चौकोस खा लेगा। तो थोड़े से मैंने साथ में रख दिए चौकोस और ये उसका लंच बॉक्स पैक हो गया। आजकल उसे अपने आप नहाने का बड़ा शौक लगा हुआ है, तो अभी जब मैं नाश्ता रेडी कर रही थी तब तक वो अपने आप नहा के आ गया। फिर मैंने बीच में उसको कपड़े पहना दिए और ये स्कूल की ड्रेस पहना दी है, और उसके बाद मैंने उसको दे दिया खाने के लिए जो खाने के लिए उसका चीला रखा था। और इधर मैं उसको तैयार करने लगी, हेयर कॉम कर रही हूँ, और यस सनस्क्रीन ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी बाहर जाए तो ज़रूर सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने हेयर कॉम कर दी है, बीच बीच में वो अपने आप थोड़ा सा खा भी रहा है, और इसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगी सनस्क्रीन। यहाँ पर मैंने उसे चीला दे दिया ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो अपने आप ब्रेकफास्ट करेगा। अब क्योंकि बच्चा 4 साल का हो गया है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो अपने काम थोड़ा इंडिपेंडेंटली करना स्टार्ट कर दे, तो चाहे जैसे भी करे, देखिए कितने छोटे छोटे से बाइट खा रहा है, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि इंडिपेंडेंटली करे। तो जब तक अभी वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तब तक मैंने बैग में लंच बॉक्स रख दिया, वाटर बॉटल लगा दी, और उसके बाद अभी वैन आने में टाइम था तो मैं आ गई अपना जो मॉर्निंग का स्किन केयर होता है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ टोनर, फेस वॉश करने के बाद कुछ भी नहीं लगाया था तो टोनर लगाया। टोनर लगाने के बाद सनस्क्रीन भी, मॉइस्चराइज़र स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इस टाइम पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र स्किप कर देती हूँ। सुबह के टाइम सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ, रात में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और चाहे आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए निकालना चाहिए, अपनी स्किन के लिए निकालना चाहिए। प्रॉपर CTM जो होता है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, वो शेड्यूल ज़रूर सुबह और शाम फॉलो करना चाहिए। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लूं। और बस मैंने लगा ली बिंदी और थोड़ा सा सिंदूर, एंड लास्ट में लिप बाम लगा ली, और क्योंकि बाल अभी गीले थे तो इसलिए मैंने उन्हें खुले ही छोड़ दिया। बस इतना काम कर पाई थी तब तक वैन वाले भैया का फ़ोन आ गया और फिर हम चल दिए वैन तक। मैं इसको ड्रॉप करने जा रही हूँ और वैन में बैठा के फिर मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि आज मंडे है। बाय। तो अभी को वैन तक ड्रॉप करके वापस आई, मैंने फटाफट अपने घर के मंदिर में दीपक जलाया, पूजा करी, आरती करी, और उसके बाद फिर मैं लग गई मंदिर जाने के लिए थाली लगाने में। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ थोड़े से फूल जो कि छत से ही तोड़ के लेके आई थी, और उसके बाद मैंने रख लिए केले भोग लगाने के लिए, चंदन रख लिया, जनेऊ, कलावा, थोड़ी एक धूप बत्ती रख ली, दीपक बना लिया, और थोड़ा सा कच्चा दूध मैंने सुबह निकाल लिया था, और उसके बाद रख लिया जल में गंगा जल मिला के, क्योंकि भोले बाबा पे गंगा जल मिला के जल चढ़ाते हैं। तो बस ये सब तैयारी कर ली, और ये तैयारी करके मैं चली गई मंदिर।
मंदिर गई थी, वापस आई, बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने अपने लिए मखाने और मूंगफली थोड़े से भुने और चाय बनाई और फिर बैठ के मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद तुरंत आ गई मैं किचन में, और किचन में जो दूध सुबह गर्म हुआ था वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था, क्योंकि मुझे दही जमाना था, तो अब मैं जमा रही हूँ दही। मैं शाम को जो सावन के सोमवार होते हैं इसमें फीका खाना, मतलब मीठा खाना खाती हूँ, नमक नहीं खाती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे रखते हैं ये व्रत, और मैं तो इसमें मीठा खाना खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने दही जमा दिया, जिससे कि शाम को मैं फीकी पूड़ी या पराठे के साथ दही से खा लूँगी। और अब देखिए किचन में मैस एकदम मचा हुआ है, तो अब इस मैस को साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं लग गई स्लैब को साफ़ करने में, जो सामान जहाँ से उठाया है वापस उसी जगह रखने के लिए, तो बस सामान लगा रही हूँ। इसके बाद ये सूजी का पैकेट था जो मैंने अभी खोला था, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, अदरवाइज़ बाहर रखो तो उसमें छोटे छोटे कीड़े जैसे हो जाते हैं। तो बस सूजी के पैकेट में रबर बैंड लगाया, वो वापस फ्रिज में रख के आई। और अब मैं सबसे पहले साफ़ करूँगी बर्तन, जो बर्तन हैं, तो सारे बर्तन एक जगह इकट्ठे करके रख दिए। जो बर्तन रात के धुले हुए थे और वो बर्तन मैंने वापस से उनकी जगह पर रखने लगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बर्तन को सब जगह पर रखूँगी और फिर बर्तन धोना स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले धोए पूजा वाले बर्तन, जो अभी पूजा के लिए जो थाली लेकर गई थी, जो पूजा के बर्तन थे उन्हें अलग से साफ़ करके धो के रख दिया, और फिर बाकी के बर्तन मैं धो लूँगी। ये बर्तन साफ़ करते करते मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको मेरे ये एफ़र्ट्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं मेरे एफ़र्ट्स, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। तो बस यहाँ पर बर्तन मेरे सारे साबुन लग चुका है, अब मैं बर्तन को धोऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो स्लैब है जहाँ पर ये टोकरा रखा जाएगा वो जगह पूरी अच्छे से साफ़ कर ली और स्टार्ट कर दिया बर्तन को धोना। बस बर्तन धुल गए हैं, और बर्तन धोने के बाद अब मैं आ गई किचन को साफ़ करने के लिए। तो जो ये स्लैब पोछने वाला कपड़ा होता है इसी को लेके मैंने टाइल पे मार दिया, अच्छे से टाइल पोछ दिए, गैस स्टव पोछ दिया, और जो ये काउंटर टॉप है इसे भी मैं हर बार पोछ देती हूँ, गैस के नीचे वाली जो जगह होती है, तो इससे कभी भी जो हमारा किचन है उसको बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, डेली ही साफ़ बनी रहती है। तो बस इतने के बाद मेरी किचन हो गई साफ़, और इसके बाद अभी का टाइम हो गया तो मैं उसे पिक करने जाऊंगी वैन तक। और बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।